Hello dear students, in high voltage engineering we are covering breakdown in gases, and today we are going to cover one of the most important topic of high voltage engineering, that is Townsend's theory and Townsend's current growth equation. Dear students, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो प्लीज आप सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ सबसे पहले आपको मिले. लेट्स टॉक अबाउट Townsend's theory. Townsend's ने क्या कहा था गैसियस डायलेक्ट्रिक ऑफ गैस के बारे में. डियर स्टूडेंट, द Townsend डिस्चार्ज इज नेम्ड आफ्टर जॉन सिले एडवर्ड Townsend. ही वॉज अ ग्रेट मैथमेटिशियन फिजिसिस्ट ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी. अकॉर्डिंग टू Townsend, द प्रोसेस ऑफ लिबरेटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द गैस मॉलिक्यूल. आप यहां ध्यान दीजिएगा, दो वर्ड है. फर्स्ट है द प्रोसेस ऑफ लिबरेटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ गैस मॉलिक्यूल, एंड सेकेंड वर्ड है द साइमल्टेनियस प्रोडक्शन ऑफ पॉजिटिव आयन. दिस बोथ फेनोमेनन, द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ बोथ फेनोमेनन इज कॉल्ड Townsend's थ्योरी. मीन्स अकॉर्डिंग टू Townsend's थ्योरी, मेरे किसी एटम पे जब इलेक्ट्रॉन का अटैक होगा ड्यू टू दैट, मीन्स आफ्टर हाई अप्लाइड पोटेंशियल हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, मेरा यहाँ पे पॉजिटिव आयन जनरेट होगा, एंड दैट पॉजिटिव आयन लिबरेशन विल बी अ कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड विच फर्दर कॉजेज द आयोनाइजेशन प्रोसेस ऑफ द डायलेक्ट्रिक गैस मीडियम. मैंने दो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोड लिया है, एक कैथोड दूसरा एनोड है, दोनों को मैंने डीप डिस्टेंस सेपरेट किया है. इसके बीच में डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, मैं डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एप्सिलॉन प्रॉपर्टी का एलिमेंट मैंने, जो कि गैसियस डायलेक्ट्रिक मीडियम है, वो मैंने चूज कराया हुआ है. मैंने इसके अक्रॉस एक हाई वोल्टेज सिस्टम डेवलप अप्लाई करा है, वोल्टेज सोर्स का अप्लाई करा है जो कि एडजस्टेबल है. मीन्स इसकी वैल्यूज को मैं बढ़ा और घटा सकता हूँ. फॉर द कंट्रोलिंग ऑफ करंट वी हैव अ करंट लिमिटिंग रेसिस्टर, एंड फॉर द मेजरमेंट ऑफ करंट वी हैव एमीटर व्हिच इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सिस्टम. जब मैं हाई वोल्टेज अप्लाई कर रहा हूँ, बाय द सडन इंक्रीज इन द वोल्टेज मेरे कैथोड से, यानी कैथोड मेरे पास आयन से जिसके पास मेजोरिटी इलेक्ट्रॉन्स है और जिसके पास कोलाइडेड, जिसके पास अटैच्ड फॉर्म में होल्स है, यहां से जब मेरे आयन्स का लिब्रेशन स्टार्ट हो जाएगा ड्यू टू द लिब्रेशन ऑफ दैट, ड्यू टू द डिस्चार्ज ऑफ दैट, फर्दर आयोनाइजेशन प्रोसेस अकर. सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ Townsend's थ्योरी. मीन्स Townsend's समहाउ Townsend's डिस्चार्ज इज समहाउ बेस्ड ऑन टू फैक्टर्स. द फर्स्ट इज प्रोसेस ऑफ लिबरेटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड सेकेंड इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस इन विच पॉजिटिव आयन्स जनरेटेड. नाउ लेट्स टॉक अबाउट Townsend's करेंट ग्रोथ इक्वेशन. According to Townsend's current growth equation, the variation of current is a function of voltage studied by Townsend. Actually, at the time of experiment, he found that the current at a first increased proportionality to the voltage, and after that it will remain constant. At still higher voltage, the current increases exponentially. You can see in this picture, we have taken two axes. In the vertical axis we have taken current, in the horizontal axis we have taken voltage. This is the experimental analysis of Townsend current growth equation. At the starting, there is a directly proportional relation between the voltage and current. Means in this region the voltage is directly proportional to current. You can see as the voltage increases parallelly, the value of current is increasing. But after that time, by increasing the value of voltage from this region to this region, means after the value of small current, that is I naught, from this region to this region, यहाँ से यहाँ तक मैं अगर voltage की value increase भी कर रहा हूँ, तो there is no change in the current. It will remains constant. लेकिन तो दिस इज कॉल्ड कंडक्शन रीजन. इसके बाद अगर मैं करंट की वैल्यू को इंक्रीज करता हूं, देन फाइनली देयर इज अ सडन फ्लड इन द वैल्यू ऑफ करंट, बहुत तेजी से करंट की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी. तो दिस इज द एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ Townsend's फ्रॉम द करंट एंड वोल्टेज रिलेशन इन एनी गैस डायलेक्ट्रिक मीडियम. द एक्सपोनेंशियल इंक्रीज इन करंट इज ड्यू टू द आयनाइजेशन ऑफ गैस बाय द इलेक्ट्रॉन कोलिजन. हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा, इलेक्ट्रॉन कोलिजन की वजह से जो आयनाइजेशन प्रोसेस होता है, मीन्स जहां पे ब्रेकडाउन होने के चांसेस डेवलप होते हैं, उसके बाद फ्लडेड वैल्यू, फ्लडेड अमाउंट के फॉर्म में करंट का ग्रोथ होता है, करंट का डेवलपमेंट होता है, विच इज क्वाइट नॉट परमिसिबल इन द केस ऑफ डायलेक्ट्रिक मीडियम. नाउ अगर मैं Townsend's करंट ग्रोथ इक्वेशन का डिटेल्ड एनालिसिस करूं, तो मैं बोल सकता हूं देयर आर टू काइंड्स ऑफ कोफिशियंट. फर्स्ट इज कॉल्ड Townsend प्राइमरी कोफिशियंट, एंड सेकंड इज कॉल्ड Townsend सेकेंडरी कोफिशियंट. व्हेन वन इलेक्ट्रॉन कोलाइड विद द न्यूट्रल पार्टिकल, दिस इज द नेचुरल फेनोमेनन, अ पॉजिटिव आयन एंड इलेक्ट्रॉन आर फॉर्म. ये हमने प्रैक्टिकली देख लिया, एंड दिस इज कॉल्ड आयोनाइजिंग कोलिजन.
अगर मैं मैथमेटिकल एनालिसिस की बात करूं तो मैंने अज्यूम करा देयर आर एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर एमिटेड फ्रॉम द कैथोड. हमने अभी जस्ट जो सर्किट डेवलप डिजाइन करा था जहां पे मैंने अल्फा को कंसिडर करा था एवरेज नंबर ऑफ अनाइजिंग कोलिजन मेड बाय इलेक्ट्रॉन पर सेंटीमीटर ट्रेवल इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड वेयर इट इज डिपेंड्स ऑन द गैस प्रेशर एंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द प्रेशर एंड दिस अल्फा इज कॉल्ड टाउनसेंड्स फर्स्ट आयोनाइजेशन कॉफिशियंट और प्राइमरी आयोनाइजेशन कॉफिशियंट ऑफ टाउनसेंड. डियर स्टूडेंट, अगर इस डायग्राम के हेल्प से मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो आई कैन से यहाँ पे मेरे पास इलेक्ट्रोड एनोड और कैथोड है, यानी दो इलेक्ट्रोड मैंने लिया जो कि डी डिस्टेंस से सेपरेटेड है और इन दोनों के बीच में मैंने डायलेक्ट्रिक मीडियम जो पुट करा है उसके वजह से मैं dx डिस्टेंस अगर कंसीडर करूं तो ds डिस्टेंस तक मींस इनिशियल कंडीशन में मैंने माना कि द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो एंड nx इक्वल टू n नॉट मींस x द डिस्टेंस फ्रॉम द कैनो कैथोड एंड nx इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. व्हेन दीज nx इलेक्ट्रॉन ट्रेवल्ड फ्रॉम द डिस्टेंस टू द dx दे गिव द राइज ऑफ करेंट एंड दैट इज दे गिव द राइज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड दैट इज अल्फा इंटू एन एक्स इंटू डी एक्स मीन्स द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अल्फा इंटू एन एक्स इंटू डी एक्स मीन्स एट इनिशियल कंडीशन x इक्वल टू x जीरो मैंने माना एन एक्स विल बी एन नॉट मीन्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी एन नॉट. नाउ डिफ्रेंशिएट दिस एन नंबर ऑफ दिस डी एन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू द alpha with respect to the dx that is displacement and this value will be alpha into nx where nx can be calculated and nx will be n naught e to the power alpha x where alpha is called Townsend primary or Townsend first order of coefficient. Then the number of electron reaching to the anode means when x is traveled to the pole distance that is x equal to d then the total nd equal to n naught into e to the power alpha d. And I can say there is the relation between the electrons developed and on an average we can calculate the e to the power alpha d minus 1 equal to nd minus n naught upon n naught. Now hum agar hum average current ki value ko calculate kare in the gap of this two electrodes then I can say the electrons traveling per second will be this will be I equal to I naught e to the power alpha d and when I naught is called initial current at the cathode. Humne VI characteristics mein bhi dekha tha I naught jo tha initial current tha jo ki starting mein yani directly proportional relation diya tha voltage and current mein lekin uske baad voltage ke change karne se I current mein koi change nahi tha lekin एक टाइम ऐसा आया जब मैंने सडनली वोल्टेज को इंक्रीज करता चला गया तो मेरे जो भी गैस मोलिक डायलेक्ट्रिक मोलिक्यूल थे मीडियम था उसमें कोलिजन हुआ इंटरनल आयनाइजेशन के बाद उसमें ब्रेकडाउन हुआ एंड ड्यू टू दैट द फ्लडेड अमाउंट ऑफ करंट विल डेवलप. तो दिस करंट इक्वेशन इज कॉल्ड टाउनसेंड्स करंट ग्रोथ इक्वेशन. दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर डियर स्टूडेंट्स. होप आपको समझ में आया होगा. अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिखें. मैं डेफिनेटली आपकी इस क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करूंगा. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.